नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हेडलाइंस पर डालते हैं एक नज़र। ICC ने खेलने के नियमों में अंतरिम बदलावों का किया ऐलान। गेंद को चमकाने में लार के इस्तेमाल पर लगाई रोक, नहीं मानने पर 5 रन का लगेगा जुर्माना। उत्तराखंड के हल्द्वानी में खोला गया बायोडायवर्सिटी पार्क। जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से वनस्पतियों का संरक्षण करना है मकसद। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने हाल ही में अपने खेलने के नियमों में अंतरिम बदलावों की घोषणा की है। ICC ने गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दिया है। यह फैसला खिलाड़ी के स्वास्थ्य और कोरोना महामारी के खतरे को ध्यान में रखते हुए लिया गया। इस फैसले के बाद अगर कोई खिलाड़ी लार लगाता हुआ पाया गया तो पहले अंपायर द्वारा टीम और खिलाड़ी दोनों को चेतावनी दी जाएगी, लेकिन बार बार यह घटना दोहराए जाने पर विपक्षी टीम को 5 रन दे दिया जाएगा, यानी लार लगाने वाले टीम पर 5 रन का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही ICC द्वारा यह भी साफ किया गया कि यदि टेस्ट मैच के दौरान किसी खिलाड़ी में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसके बदले दूसरे खिलाड़ी को खेलने की अनुमति दी जाएगी। ICC ने टेस्ट में सभी टीमों को अब 2 के बदले 3 DRS देने का फैसला किया है, जबकि वनडे और T20 में 2 रिव्यू लेने का अधिकार होगा। ICC ने आगे कहा कि टेस्ट मैच में खिलाड़ियों को अपने स्वेटर या जर्सी के अगले हिस्से पर 32 इंच के लोगो को लगाने की मंजूरी होगी। पहले यह केवल वनडे और T20 में ही मान्य था। टेस्ट मैच में जर्सी पर लोगो लगाने के फैसले पर ICC ने तर्क दिया कि इससे आर्थिक नुकसान झेल रहे बोर्ड अतिरिक्त कमाई कर सकेंगे, जिससे वे कुछ हद तक नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक बायोडायवर्सिटी पार्क खोला गया है, क्योंकि राज्य की समृद्ध वनस्पति विरासत जलवायु परिवर्तन, आवास नुकसान और विकास गतिविधियों से खतरे का सामना कर रही थी। इसकी स्थापना विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर किया गया। इस पार्क में 40 विषयगत खंड हैं, जिसमें फल, पौधे, औषधीय और वाणिज्यिक महत्व के पौधे भी शामिल हैं। पार्क में ऐसे पौधों को भी शामिल किया गया है जिनका धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। आपको बताते चलें कि राज्य में जैव विविधता के क्षरण का मुख्य कारण देश के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले विशेष खाद्य उत्पादों की लोकप्रियता है। इन खाद्य पदार्थों को सुपर फूड्स कहा जाता है, जिसमें पहाड़ियों को बागान में बदल दिया जाता है, लेकिन वनों के संरक्षण पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। गौरतलब है कि बायोडायवर्सिटी का आशय पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों और उनके पारस्परिक संबंधों से है। बायोडायवर्सिटी से जीव प्रजातियों, आनुवंशिक परितंत्र और विशेषताओं का ज्ञान मिलता है। मानव समाज के लिए परितंत्र से बहुत से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं, इसलिए जीव जगत और वनस्पति जगत को टिकाऊ बनाए रखने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को स्वास्थ्य और टिकाऊ बनाए रखने की आवश्यकता होती है। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं, जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होगा। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगले वित्त वर्ष में 9.5% की वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ेगी। इससे पहले फिच ने अनुमान लगाया था कि अप्रैल 2020 से चालू होने वाले वित्त वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर 5% पर आ जाएगी, लेकिन फिच ने यह भी कहा कि 9.5% की वृद्धि दर तभी संभव है जब देश स्वास्थ्य क्षेत्र में ज़्यादा गिरावट ना दर्ज करे। आपको बताते चलें कि फिच रेटिंग्स मूडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसी है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने वर्ष 2019-20 का खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक में गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह सूचकांक 5 मापदंडों खाद्य परीक्षण, सुविधा, मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन प्रशिक्षण और उपभोक्ता सशक्तिकरण के अलावा क्षमता निर्माण के आधार पर तैयार किया गया है। छोटे राज्यों में गोवा ने प्रथम स्थान हासिल किया है, इसके बाद मणिपुर और मेघालय का स्थान है।
केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह रैंकिंग में सबसे ऊपर हैं। खाद्य सुरक्षा सूचकांक विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम खाद्य सुरक्षा सबका व्यवसाय है को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। असम के तिनसुकिया जिले में स्थित बागजान तेल कुआं में 9 जून को भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से पिछले 14 दिनों से अनियंत्रित तरीके से गैस का रिसाव बताया जा रहा है। आग इतनी भीषण है कि उसके लपटें 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से देखी जा सकती हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागजान गैस कुएं में तेल के रिसाव के बाद गैस के रिसाव को रोकने के लिए सिंगापुर की फर्म को बुलाया गया है, जो 8 जून से ही इस पर कार्य कर रही है। फर्म का दावा है कि हालात पर काबू पाया जा सकता है और कुएं को सुरक्षित बचाया जा सकता है, लेकिन इस पूरे अभियान में 4 सप्ताह का समय लग सकता है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने भारतीय भारोत्तोलक संजीता चानू के खिलाफ लगाए गए डोपिंग के आरोपों को खारिज कर दिया है। संजीता चानू के नमूने में एकरूपता नहीं पाए जाने के कारण यह निर्णय लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के इस फैसले के बाद राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता इस खिलाड़ी ने माफ़ी मांगने और मुआवजा देने की मांग की है। आपको बताते चले कि संजीता चानू भारत की एक भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। उन्होंने ग्लासगो में हुए 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन स्पर्धा के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। वे मणिपुर के ताकचिंग जिले की रहने वाली हैं। मशहूर पेशेवर अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इकबाल वानी की यह नियुक्ति उच्चतम न्यायालय कोलेजियम प्रणाली के तहत की गई है। आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय नवगठित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का संयुक्त उच्च न्यायालय है। गौरतलब है कि वानी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में कई मामलों में केंद्र की पैरवी कर चुके हैं। हाल ही में अमेरिकी सेना में पहली बार किसी अश्वेत को वायुसेना प्रमुख बनाया गया है। दरअसल अमेरिका में वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को नियुक्त किया गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस की अध्यक्षता में अमेरिकी सीनेट ने उनकी नियुक्ति की 9 जून को सर्वसम्मति से पुष्टि की है। चार्ल्स ब्राउन अमेरिका प्रशांत वायुसेना के कमांडर रह चुके हैं। साल 1984 में वायुसेना में शामिल हुए चार्ल्स ब्राउन एक फाइटर प्लेन पायलट हैं और उनके पास 2900 घंटे से अधिक प्लेन उड़ाने का अनुभव है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आपके सकारात्मक कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।